भाई नहीं यार, हम तो खत्म हो गए यार। ताजिरों की जमा पूंजी कराची के बहुत बड़े कोऑपरेटिव मार्केट में जलकर खाकसर हो गई है। ताजिरों के दावे के मुताबिक 5 से 10 अरब रुपए का सामान जलकर खाकसर हो गया है। कल रात की ये आग लगी हुई थी, अब आपको धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा होगा सामने। फायर ब्रिगेड का अमला मौजूद है। यहाँ आइए ज़रा मेरे पास और यहाँ आकर देखिए कि ये एक बहुत बड़ी तादाद में ये ताजर और यहाँ पर काम करने वाले मुलाज़मीन आपको बैठे हुए दिखाई देंगे, जो बेचारे अपने सरों पर हाथ रखे बैठे हुए हैं और परेशान हैं कि अब क्या होगा। ये आपको दिखाई देगा, यहाँ पर अब कूलिंग का अमल भी हो रहा है। ये सारी दुकानें और ये सामान आपको दिखाई दे रहा होगा किस तरह से जलकर कल परसों तक ये मैनिक्योर्स, यहाँ पर कपड़े, यहाँ पर खूबसूरत जो लिबास और शेरवानियाँ यहाँ मिला करती थी, आज ये जलकर राख हो चुका है। धुआं निकल रहा है ऊपर, ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर आग अभी लगी हुई है। आइए मज़ीद आपको आगे लेकर चलती हूँ। मुख्तलिफ यहाँ पर इस फ्लोर से भी कूलिंग का अमल हो रहा है, आग बुझाने का अमल हो रहा है। अभी तो ऑर्डर्स भी होंगे काफ़ी सारे क्योंकि आगे शादियों के सीज़न थे, एडवांस वगैरह भी लिया हुआ होगा आप लोगों ने। सब कुछ तो फिर किस तरह से उसको कवर करेंगे? अल्लाह से, अब इंशाल्लाह ताला देखें क्या होता है। सेकंड फ्लोर पे गोदाम था मेरा कोऑपरेटिव के अंदर, तो कपड़े का ही काम है मेरा भी। कल आग लगी है यहाँ पे और इस कदर आग लगी है, कोई फायर ब्रिगेड नहीं आई है। फोन करते रहे उनको, कोई फायर ब्रिगेड नहीं आई है। फायर ब्रिगेड का दफ्तर तो यहीं करीब में ही है, क्यों नहीं है? नहीं आई है, कितने फोन करे सब कुछ करे। मुर्तजा आप साहब कह रहे हैं फॉरन पहुंच गई थी? नहीं नहीं नहीं, गलत बयानी है, कोई गाड़ी नहीं आई है। आप कह रहे हैं 4:30 से 5:45 बजे के दरमियान यानी 10 मिनट में ये आग फैल गई, और कितनी बजे आप लोगों के पास फायर ब्रिगेड पहुँची है? तकरीबन 2 घंटे के बाद एक फायर ब्रिगेड आई थी, 8 बजे तकरीबन रात को। 8 बजे रात को एक फायर ब्रिगेड आई है, और जो दूसरी फायर ब्रिगेड आई है वो भी 1 घंटे के बाद 9 बजे तकरीबन वो आई है, लेकिन उसके अंदर भी फॉल्ट था, स्टार्ट नहीं हुई। लोग रो रहे थे, परेशान थे, लोग बर्बाद हो गए, कुछ नहीं है, लोगों का इतना नुकसान हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। इतवार की सुबह लोग करोड़पति थे, रात को फकीरपति हुए हुए। ये सारा वायरिंग का सिस्टम कितना बर्बाद हो चुका है ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये कूलिंग का अमल हो रहा है और जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं यकीनन वो इस सदमे और इस तकलीफ़ में यहाँ पर मौजूद हैं कि उनका सामान जल गया है, उनका कारोबार जल गया है, उनके घरों के चूल्हे बुझ गए हैं, वो इस वजह से यहाँ पर मौजूद हैं। इतना शदीद यहाँ पर धुआँ है कि इधर खड़ा नहीं हुआ जा सकता, और आग आगे आग लगी हुई है। 16 दुकानें इस मार्केट के अंदर, ये सारे मेरे भाई हैं, हमारे बड़ों का कारोबार था, हम पे शिफ्ट हुआ, हमारे बच्चे रोड पे आ गए, हमारा क्या कसूर है? मेरे पास सारे क्लिप मौजूद हैं, कल 5:50 पे लगने वाली आग आज 4 बजे तक आप पे काबू नहीं पाया गया। सही गवर्नमेंट दावे कर रही है हमने आप पे काबू पा लिया, बताओ कहाँ काबू पा लिया? झूठ बोल रहे हो आप लोग, हमारे बच्चों की रोजियों से खेल रहे हो आप लोग। आप लोगों की तरफ से कि यहाँ पर आग लगाई गई है? मेरी बहन देखें, मेरे पास क्लिप मौजूद है, गेट टू गेट लाइट आग शिफ्ट हुई है। ये कौन सा तरीका है? स्टेप बाय स्टेप होगा ना यहाँ, गेट टू गेट जो है ना आग शिफ्ट हुई है। मेरे पास सारे क्लिप मौजूद हैं, आग लगाई गई है, हमारा मुतालबा यही है, आग लगाई गई है। तो आग क्यों लगाई गई है, उसकी कोई वजह भी तो होगी? यहाँ बिल्डर का तनाजा है, एक मसला ये है, और दूसरा के इलेक्ट्रिक की नाफरमानी है, 7 साल से बिजली नहीं है, इसके अंदर प्राइवेट इन लोगों ने मामला शिफ्ट किए हुए, कुंडे के ऊपर बिजली इस्तेमाल हो रही है, और दुकानदारों से लाखों रुपए बिल की सूरत में वसूल किए जा रहे हैं। यूनियन वाले जब तार शॉर्ट के इशू होता है 20-20 हज़ार रुपये हर दुकानदार से लेते हैं, हर रमजान के अंदर इन्होंने रूटीन बनाई हुई है यूनियन वालों ने, 20-20 हज़ार रुपये हर महीने हर साल लेते हैं ये लोग, अब क्या कहें किस चीज़ की वजह से ये हुआ है।